What? In accent of Akanksha, I'm tired. ये हिंदी भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. तुम कहाँ मतलब साइमन गो बैक. No, ये मेरे छेड़वा है. देखो ना, ये ब्लॉगिंग नहीं करता है अच्छे से. प्लीज आप लोग गौरव को बोलो टू बी लिटिल मोर प्रोएक्टिव एंड टू बी लिटिल मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स माय ब्लॉगिंग, क्योंकि आपको मजा आ रहा है ना. प्लीज गौरव और ये सीख भी रही है. तो मैं सीख रही हूँ, नया ट्राई कर रही हूँ. हर ब्लॉग में कुछ नया ट्राई करती है. मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ और एक गलती कम करती है पिछले वाले से, तो ठीक है. हमें जो आनंद आया है उज्जैन की नगरी में, जय महाकाल. इसी तरह से आप हमें साथ नहीं, इसी तरह से आप हमारा साथ दीजिए. नहीं तुम कर लो, पहले कर लो, तुम नहीं कर लो. जय महाकाल. आज हमारा डे टू है उज्जैन की नगरी में एंड हमने सुबह सुबह, हम एक्चुअली 2 बजे से महाकाल मंदिर में थे एंड हमने एकदम सुबह की भस्म आरती अटेंड की है, जो इतनी सुंदर थी, इतनी डिवाइन थी. सो थैंक यू गौरव, थैंक यू उज्जैन एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू महाकाल, थैंक यू एवरीवन जिसने हम सबको ये मौका दिया इतने अच्छी आरती का पार्ट होने के लिए. सो थैंक यू. एंड उसके बाद हमने बैक टू बैक 6-7 मंदिरों के दर्शन किए. अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको लाइन से बताऊं हम कहाँ कहाँ गए. मैं भी सुन रहा हूँ कि सही बोली कि गलत. हाँ, बोलना. हाँ, नहीं मेरा हाँ. मैं मिस्टेक कर सकती हूँ क्योंकि बोलने की शौकीन. बोलो. हाँ तो ठीक है. तो सबसे पहले हम महाकाल गए, वहाँ पे हमने भस्म आरती की. महाकालेश्वर मंदिर. हम महाकालेश्वर मंदिर में थे. उसके बाद सेकेंड मंदिर हम गए काल भैरव के मंदिर. करेक्ट. फिर उसके बाद हम गए विक्रांत भैरव. करेक्ट. एक में बीच में और एक मंदिर भूल रही हूँ, जो काल गाड़गी माता. देख कौन सी माता थी. अच्छा तुम्हें जो याद है वो बोलो. और गढ़कालिका माता. सॉरी. फिर हम गढ़कालिका माता के मंदिर गए. उसके बाद हम लोग आश्रम गए जहाँ पे संदीपानी, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने सुदामा जी ने अपने गुरु से शिक्षा ली एज अ स्टूडेंट. तो फिर हम वहाँ गए. उनका नाम है संदीप, श्री संदीपनी आश्रम. फिर उसके बाद कहाँ गई. हो सकता है मैं नाम गलत ले रही हूँ, पर मैं आपको गलत ही ले रही है. नहीं मैं बताऊंगी. एक मिनट मोबाइल खोलो, मैंने आपको मैसेज भेजा है. देखो आगे. फिर उसके बाद कहाँ गई पहले ये बताओ. मुझे आकांक्षा ने बॉम्बे में बोला था कि मुझे मंदिर दिखाओ, मुझे मंदिर जाना है. तो मैंने दिखाया, अब कंफ्यूज हो गई है. हमने दर्शन किए, फिर हम गए श्री मंगलनाथ मंदिर में. करेक्ट. जहाँ पे गौरव ने मेरा कुछ तो क्या करवाया, शिवलिंग का माथा टिकवाया. और चलो आगे. उसके बाद हम राम घाट पे गए, जहाँ पे हमने छोटी सी पूजा की और दान किया, दक्षिणा किया, गायों को चारा खिलाया, ब्राह्मणों की भी सेवा की वहाँ पे हमने. और आई थिंक इतने मंदिर हमने कर लिए ना. ये आज सुबह से अभी तक ये हमारा सफर रहा है.
नामा पुत्रा सोस्त्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तो हो अतिथिर्ध्योर अतिथिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा। अब हम बोलेंगे जय श्री महाकाल। जब आप बोलेंगे आप बोलना है बोले जय श्री महाकाल। राजाधिराज महाकाल महाराज की जय। वाह वाह भोलेनाथ की सेना। हमारे घर में सब बहुत ज्यादा फैन है इनके, बहुत ज्यादा। और रेगुलरली मतलब 10 बजती है और हमारे घर में सब टीवी के आगे बैठे हैं। सब बाबा का आशीर्वाद है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के दरबार में खड़े हैं आज। बड़े अच्छे दर्शन दिए उन्होंने, बहुत अच्छा लगा आप सब। प्लीज आप आइए ना। अरे मैं अभी फिलहाल कैमरामैन का काम कर रही हूँ। आप लोगों का स्वागत है महाकाल लोक में, जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है और इतना सुंदर बनाया है। प्लीज इसे विजिट कीजिए और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लैंडस्केपिंग देखो बस। Both the eyes are different. Heterochromia iridium. Hey, Shonia. और कितना सुंदर है। ओए चुनु, ओए चुनु। Hi, hi. Pants. Oh my God. अब मैंने इतने दिनों बाद साड़ी पहनी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं साड़ी उतारूं। और ये इतनी प्यारी है। थैंक यू। मुझे याद नहीं आ रहा ये मुझे किसने गिफ्ट किया है, बट आई थिंक ये मुझे किसी ने तो दिवाली के टाइम पे गिफ्ट किया था और मुझसे स्पेसिफिकली कहा था कि अगले दिवाली में या अगले कोई भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में आप ये पहनना, बहुत प्यारी लगेंगी। तो मैंने फेस्टिवल का वेट तो नहीं किया, बट क्योंकि मैं मंदिर दर्शन के लिए आई हूँ एंड महाकाल के दर्शन के टाइम पे मैंने ये साड़ी पहनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल है आदमियों को धोती पहनना होता है एंड फीमेल्स को साड़ी। क्या ना एकदम ऐसे शॉर्ट ले कि ना मेरी साड़ी भी दिखनी चाहिए और फिर मुझे ना वो पीछे बैकग्राउंड भी चाहिए। अच्छा, पीछे बैकग्राउंड भी चाहिए और मेरी साड़ी भी दिखनी चाहिए और मैं भी सुंदर करनी चाहिए। ठीक है। Take it in which is that mode, take it in cinematic mode and you move ahead while you sitting there. बोलो कबूतर उड़ रहे हैं तुम्हारे पीछे। So take kabools, I love kabool, come take kabool also. अच्छा आ गया, देखो पीछे एक दो आ गए हैं। अच्छा कम शो द पूल, कम शो द पूल, सी सो पीपल आर एंजॉयिंग सो मच पूल साइड। सो दिस इज सम हाईवे दे वर सेइंग
ये जो पूरा जा रहा है पीछे से। अरे व्हाई डू यू केयर अबाउट द हाईवे, यू टेक माय शॉट, आई डोंट वांट द हाईवे टू बी सीन। चलो माय साड़ी एंड आई शुड लुक रियली प्रिटी, ओके, एंड आई शुड लुक थिन आल्सो, एम आई लुकिंग नाइस? व्हाट आंसर यू वांट दिस? What should I answer? You know, I haven't slept for today is the third day, and I'm short, baby Lasha. Please give me some nice footage. Wow. ये जो नीचे ये छोड़ा है तुमने, ये किसने छोड़ा? ये actually blouse का material है, but क्योंकि मेरे पास time नहीं था तो मैंने ये material नहीं काटा। पर ठीक है, ये पल्ला ले लिया ना मैं। कैसे कैसे पल्ला लिया दिखाओ। महाकाल में ऐसे पल्ला लेना, कैसे लेना था? तो फिर मैंने ऐसे पल्ला ले लिया। कैसे? ऐसे मैं ऐसे बैठी थी मंदिर का। अभी भी थोड़ी देर ऐसे ही रहो यार, प्लीज व्लॉग में थोड़ी देर प्लीज ऐसे ही रहो, कुछ मत बोलना। हाँ स्त्री कल आना स्त्री कल आना। हाँ एकदम वही लग रही हो तुम, एक वैसे मुंह ढको और सिर्फ नीचे से वो स्माइल, एकदम वो स्त्री का पोस्टर लग रहा है। दिखाओ। हाँ टर्न करो, कबूतरों से लाता हूँ ना। हाँ, कबूतरों से। अच्छे से बैठ करो, ठीक है? काश ये तोते होते तो मैं बोलता तोते उड़ गए, लेकिन ये कबूतर उड़े हैं। और ये ओ स्त्री, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, वैसी लग रही हो। हाँ तुम नॉर्मल रहो बस, ये ओ स्त्री। अरे तुम नॉर्मल रहो। हाँ बस ये पता है क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा वो किसी व्लॉग का वो होना चाहिए, क्या लगाते हो तुम लोग, डीपी, क्या बोलते हो उसको, डीपी, अरे क्या बोलते हो, थंबनेल, जो भी। हाँ एक बार करो, एक बार करो एकदम। यू हैव सो मच टू लर्न बेबी। या हाँ अब नॉर्मल हो, इतना जो दिख रहा था वो उसको ऐसे फेस बस। ओ स्त्री ओ स्त्री। अब मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ देखो मुंह ढको, मैं ऐसे, हाँ ये ऐसे बेटर लगती हो। मैं बताऊँ कैसे सुंदर लगती हो? हाँ कैसे, क्या पूछ रही हो? मैं ऐसे सुंदर लग रही थी कि जब मेरी, तुम ऐसे सुंदर लगती हो। इंदौर के कहाँ जा रहे हैं हम लोग? खावली। हाँ जी, इंदौर का मुझे पता नहीं, 26 छप्पन मार्केट का पता नहीं। ओह सॉरी, सो हम इंदौर के छप्पन मार्केट में जा रहे हैं, एंड दिस इज माय लुक, रेडी फॉर शॉपिंग। गौरव कैन यू शो योर लुक? Copycat, come here. And this is Gaurav. मतलब ट्विन तो करना ही है ना आपको मेरे साथ? यार कैसे करता हूँ यार, कैसे कर लेता हूँ मैं? I know. गौरव अभी चेकआउट कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा then we are on route to Indore. हमारे पास कुछ 2 घंटा है लोकल मार्केट में, एंड देन वी आर ऑफ टू द एयरपोर्ट। ये हमारी प्यारी सी गाड़ी है, दीपक हाय बोलो। हाय। इन्होंने पूरा उज्जैन और इंदौर हमें घुमाया है बहुत अच्छे से। ये हमारे सह प्रवासी हुए ना इंदौर के? ये हमारे सह प्रवासी है इंदौर के और उज्जैन के, एंड गौरव इज हियर। ये हैं दीपक, जिनके साथ हमने इंदौर, अपना ओंकारेश्वर और महाकाल के सारे दर्शन किए। ये हमारे ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स दिखाई और अपनी तरफ से सहयात्री भी थे। और तुम्हें कैसा लगा हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा। और ये इनफैक्ट इतना ट्रेंड हो गया कि खुद ही बोलता था सर यहाँ मत होती है, भीड़ बहुत है, आप मास्क पहन लीजिए, यहाँ मास्क उतार लीजिए। मेरा खौफ। तो थैंक यू वेरी मच दीपक, बहुत मजा आया आपके साथ। दीपक आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, सच्ची बात। थैंक यू। इंदौर का 56 बाजार है, एंड इट्स सो क्यूट। सो दिस इज कॉल्ड 56 मार्केट क्योंकि यहाँ पे 56 शॉप्स है और सबके नंबर है। Thank you.
छप्पन बाजार में हम पानी पूरी खा रहे पानी पूरी खाने के बाद अब हम खा रहे हैं सोया चाप रुमाली रोटी के साथ। और ये जो है ये कौन है? ये अपना मास्क नहीं उतार सकते बिकॉज वॉरन विल गेट बॉम्ब्ड। तो हम बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने कम लोग हो सके उतने पहचान सके। ऐसा कुछ नहीं है, धूप बहुत है बाहर। मतलब इतना फेमस क्यों होना है? ऐसा कोई फेमस नहीं, सड़क पे बिना मुंह छिपाए घूम ना पाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई शाहरुख खान नहीं हूँ मैं। आई डोंट वांट पीपल टू गेट डिस्टर्ब यू नो, क्योंकि क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर एक कोई आता है आपसे मिलने, हाँ रुमानी रोटी पहले एक ही दीजिएगा, तो क्या होता है कि पहले कोई आएगा आपसे मिलने, फिर आप मतलब आई डोंट लाइक सेइंग नो अगर कोई भी आता है पिक्चर के लिए। और फिर क्या होता है कि जब आकांक्षा आते हैं वी आर ऑन अ लिमिटेड टाइम बैंड, तो फिर सबको फोटो देना और अपना काम भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो दैट टाइम आई प्रेफर कि मैं मास्क पहने रहूं, क्योंकि उसमें भी पहचानते हैं लोग, तो जो पहचान जाते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप साइड में आ जाइए जल्दी से ले लीजिए पिक्चर, लेकिन शोर होना चाहिए। तो दैट्स फाइन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शाहरुख खान हूँ या कुछ, वो लोग बड़े, हम लोग बड़े नॉर्मल लोग हैं। पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं, मैं बड़ा नॉर्मल सा आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़क पे चलने से। ये सिर्फ इसलिए कि बिकॉज हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे इसको बहुत सारी चीजें दिखानी है, एंड वी वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन इंदौर विदाउट वेस्टिंग टाइम, यू नो दैट्स वन थिंग इज कमेंडेबल। गौरव रियली एंजॉयस giving all his fans all the attention that he can. वो जितना हो सके उतने सब लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, वो कभी कंप्लेन नहीं करते। So he is not complaining, he loves all the acknowledgement that he's receiving. क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ सर, इसलिए तो अगर फैंस हैं तो हम हैं। सो आई ऑलवेज एक्नॉलेज दैट फैक्ट। आई थिंक ऑल एक्टर्स शुड रिमेम्बर दिस, ये मेरा एक पर्सनल थॉट है। I think so, why not? And we are back to Dapu Gabbar. Yeah. हम बहुत अच्छे लग रहे हैं पता है। इतना गुड लुकिंग कोई कैसे हो सकता है? ये किसी सीढ़ी पे नहीं गिरी है, इसका दिमाग खराब नहीं हुआ है, ये ऐसी ही है। तो अगर आपको को लग रहा है कि ये कुछ चेंज हो रही, नहीं ऐसी ही है। आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहे हो यार, मतलब बस मैं बस नहीं करूँगी। पहचान जाएगा तो तुम्हारा सेल्फ लव मार्केट घूम नहीं पाओगी, मुझे मत कहना फिर सेल्फ लव करना फिर, ठीक है? एयरपोर्ट पे बैठ के आकांक्षा का फेवरेट सोयाबीन चाप। चाय अच्छी अच्छी है, चाय नहीं इसकी माँ की बेटी अच्छी है। वाह वाह बहुत अच्छा, कहाँ से लाता हूँ मैं? अभी कहाँ जा रहे हैं आकांक्षा कॉलेज? हम जा रहे हैं अभी हमारी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें इंदौरी सेब खरीदने हैं, फरसान खरीदना है जो यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस और स्पेशल है। नमकीन ना फरसान? हाँ हाँ ठीक है, नॉर्थ में समझ में नहीं आएगा लोगों को फरसान। फरसान नॉर्थ इंडियन भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि बेसिकली नमकीन जैसे मैं बोलता था। नहीं इसमें तीखा भी होता है, सिर्फ नमकीन नहीं होता। अरे नमकीन उस पूरी इमली, ये वाली इमली कौन सी वाली? ये भी तो है, खट्टी मीठी नहीं, मीठी नहीं चाहिए, नॉर्मल वाली नमक के साथ, नमक के साथ फालसे भी है। देर है वो, नहीं मुझे सिर्फ इमली चाहिए। क्या खा रही है कक्षा? इमली है? क्या खा रही हो? इमली। क्या तोतला होता है? क्या खा रही हो? इमली।
का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी, मीठे गुज्जा मुंह में गुज्जा छोटा सा तो लिया, एक ही पैकेट तो है, बहुत छोटा पैकेट लिया है हमने। इंदौर आए, इंदौर वाले क्या सोचेंगे कि हमने उनके शहर से कुछ खरीदा नहीं, तो इतना सही तो है, जरा सा फरसान है, एक बार में खा जाएगी आकांक्षा मिसल के ऊपर डाल के, एक बार में मिसल के साथ। तो ये जो इमली खाती हुई लड़की है इधर, इसको अभी पता चल गया है कि इंदौर में ना चंदेरी वर्क की साड़ियाँ बड़ी फेमस है। तो अभी हम लोग कहीं कुछ लेने गए थे तो वहाँ पे किसी ने हमें बता दिया, और ये मुझे कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, लेकिन अभी बोल रही है जब हम एयरपोर्ट के रास्ते पे जा रहे थे कि बेबी मुझे चंदेरी की साड़ियाँ देखनी है। मैंने कहा बेटा तुम पहनती कितनी हो साड़ियाँ? कहती लेकिन हम इंदौर आए हैं तो देखना तो पड़ेगा, है ना, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। हमने ड्राइवर जी को कहा है कि हमें ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ चंदेरी की वॉक वाली साड़ियाँ मिले, तो देखते हैं कितने का डैमेज करती हैं ये। डैमेज कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करती हैं, है ना। आई नो इट्स अ गुड कवर अप, गुड कवर अप, ऐसे थोड़ी है, रोज का है यार, रोज का आदमी मार खाकर सीख ही जाता है। एनीवे आप लोग मार मत खाइए, और इसे हम इमली खा देते हैं, इसे इमली खाने देते हैं, है ना। इमली खा रही है, कमाल है, मतलब बिल्कुल खट्टास नहीं, मैं तो खट्टास की बात कर रहा था। वाह वाह वाह। कोई फोर्स नहीं है मुझे खर्चा करने का, शौक नहीं है मुझे। आप इतना इंसिस्ट कर ले सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंसिस्ट करके तुमने दो दिन में वाट लगा दी है। फ्लाइट पकड़नी है तुम्हें, वापस जाने देना है मुझे कि नहीं? अब मैं सैटिस्फाइड, मैंने शॉपिंग कर ली है, ये अब सैटिस्फाइड है। अब मैं सैटिस्फाइड, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं साड़ी देखने जा रही हूँ। मेरा ये ट्रिप सक्सेसफुल रहा, जय महाकाल, जय महाकाल। ये इस चेयर से वहाँ चली गई है। फाइनली हमारी बहुत अमेजिंग महाकाल दर्शन की ट्रिप अब अपने अंतिम चरण में है, और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, एंड वी आर फ्लाइंग बैक टू मुंबई राइट नाउ। बहुत अच्छा लगा, होपफुली आपको भी हमारा ये कंबाइंड ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगेगा कि हमें उज्जैन और इंदौर आके बहुत अच्छा लगा, और मंदिरों के दर्शन करके और बाबा का आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुंबई पहुंचना अभी भी बाकी है, सो यू नेवर नो, साथ अभी भी ना छोड़िएगा हमारा। फ्रॉम इंदौर एयरपोर्ट कमिंग टू मुंबई, साइनिंग ऑफ, बाय। आपको पूछना था, डू दे नो दिस लेडी, दिस वन, आई डोंट नो, इन माय इंदौर एंड उज्जैन विजिट, वेयर एवर आई गो आई फाइंड दिस लेडी बिहाइंड मी, आई डोंट नो हु शी इज, एनी आईडिया, आई एम आस्किंग यू, कौन है, आप कौन है? अजीब है, मैं वेयर एवर आई सक्सेस इट आई सी हर नेक्स्ट टू मी, कुछ नहीं होगा, मैं महाकालेश्वर होके आया हूँ, तुम जैसे लोग कह रहा हूँ, तुम जैसी महाकालेश्वर, मतलब हम तो भोलेनाथ के साथ ही होते हैं, भूत के साथ तो होते हैं भोलेनाथ के साथ। हमारा डेरा मैं जहाँ अभी मैं लॉन्च में बैठा हूँ, यहाँ भी आ गई है यार ये पीछे पीछे, क्या चाहिए तुम्हें?
हमें रिसीव करने। मम्मी ट्रॉली लेने जा रहा हूँ, जल्दी आओ, कम करो भी हो सका। हमने मम्मी के लिए साड़ी खरीदी है। कैसे लग रहा है रात में अपने ऑफिस आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबको रिसीव करके और अच्छा। मम्मी प्लीज दिखा दिए। पिक्चर अभी बाकी है, और भी ब्लॉग्स हाँ। बाकी है, इतने जल्दी आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, एंड चलो ऑल द बेस्ट।